इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से इशू आता है आपके एम आधार के अंदर जब आप प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं अपनी, तो वहाँ पर आपको जब हम अपनी प्रोफाइल को बनाते हैं, पासवर्ड डालते हैं, अपना आधार नंबर डालते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है हमें, जो यहाँ पर हमें लिखा हुआ रहा है, मैसेज फील्ड रिक्वेस्ट फील्ड फेल टू वैलिडेट ओटीपी प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो ये क्या इशू रहता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से इशू दिखाई देता है, तो बेसिकली जब हम ओटीपी यहाँ पर डालते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभी वो एक्सपायर हो जाता है, 10-12 मिनट का हो जाता है। तो जितनी भी वैलिडिटी रहती है उस हिसाब से हमें डालनी रहती है, अगर हम उस हिसाब से ज़्यादा में उसे डाल देंगे तो उसमें दिक्कत हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमेशा आप जो है कम से कम डालिएगा टाइम में। और यहाँ पर अगर हमारा नंबर, यहाँ पर अगर हम गलत ओटीपी डालते हैं तो तब भी हमें यहाँ पर इस तरीके का एरर देखने के लिए मिल जाता है। तो आप बिल्कुल सही सटीक ओटीपी डालिएगा जो आपके नंबर पर आया हो, और जो आपके नंबर पर आएगा तो आप सही से डालेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके आधार की जो प्रोफाइल है वो बन जाएगी। तो सिर्फ इतना सा प्रोसेस रहता है ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। अगर यहाँ पर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।